नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा वी केयर वी शेयर में आज हम बात करेंगे जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये काफ़ी कॉमन है फीमेल्स में ये लगभग लग दो गुना ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले और नाम से जैसे ही आपको पता लगा होगा जर्नलाइज मतलब हर चीज़ को लेके एंगजाइटी मतलब घबराना डिसऑर्डर मतलब बीमारी अब घबराहट तो हर किसी को होती है तो हम कैसे कहेंगे कि किसी को जर्नलाइज एंग्जाइटी है या नहीं जैसे मैंने कुछ और एक वीडियोस में भी बात की थी कि साइकेट्रिस्ट कैसे डायग्नोसिस बनाता है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं एक लक्षण एक उसकी समय सीमा और तीसरा उसकी वजह से परेशानी तो अगर घबराहट इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए इलाज की ज़रूरत है लक्षण मैं आपको बता दूंगा समय सीमा इसकी छः महीने होती है कि कम से कम घबराहट इस तरह की घबराहट अगर छः महीने तक रहती है और उसकी वजह से हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ में गड़बड़ आ रही है हम वैसा काम नहीं कर पा रहे समझते समझते हुए भी जैसा हम चाहते हैं तो इसका मतलब शायद जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो और एक दो घबराहट वाले और भी डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में आपको मैं हल्की सी जानकारी इसके वीडियो में दूंगा तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पहली चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं डे टू डे वरीज डे टू डे वरीज़ का मतलब ये है या अप्रीहेंशन जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होना ही है जैसे एक छोटा सा दिन भी है तो अगर कोई सुबह उठेगा तो नहाएगा खाना खाएगा ब्रेकफास्ट करेगा ऑफिस के लिए मेट्रो या अपनी कार्स के द्वारा जाएगा अपने बॉस से कुछ बातें कहेगा कुछ सुनेगा कुछ काम होंगे कुछ नहीं होंगे शाम को वापस आएगा अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करेगा या स्टूडेंट है तो वो कॉलेज जाएगा यूनिवर्सिटी जाएगा किसी से बात करेगा किसी से लड़ाई होंगी दो बातें होंगी तो ज़िंदगी में जो छोटी मोटी बातें हैं कि आज मुझे बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी आज समय पे पानी आएगा कि नहीं आएगा ये काम होगा कि नहीं होगा अगर इन बातों की ही हमें पंद्रह बीस बातें ऐसी ही हो जाए रोज़मर्रा में जबकि बातें तो हज़ारों होती हैं रोज़मर्रा में अगर ऐसी छोटी मोटी बातों पे ही हमें चिंता होने लगे और चिंता इस लेवल की होने लगे कि हम वो काम कर ही ना पाएँ या उस लेवल का ना कर पाएँ और हमें ये समझ भी है कि इतनी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है जैसे कोई थोड़ा भी लेट हो गया तो हम घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं गैलरी में चक्कर काटने लगते हैं कोई भी चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई अगर किसी का फ़ोन नहीं आया थोड़ा सा लेट हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं तो और परेशान होकर हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं जबकि हमें पता है कि सौ में से एक चांस भी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा बट तो हम इसको बोलेंगे डे टू डे वरीज कि हम उन चीज़ों की चिंता कर रहे हैं जिनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद दूसरा लक्षण इसमें आता है इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ाहट क्योंकि हम हमेशा घबराते रहते हैं इसलिए हमें जल्दी गुस्सा आता है हम जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं हमें इरिटेशन होती है कोई भी बात अगर हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है बट ऐसा तो होगा ही दिन में कि कुछ बातें हमारे मन के हिसाब से होंगी कुछ नहीं होंगी जब हम नहीं होती हैं तो उन पर जितने ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं या हमारी कोई बात नहीं मानता या परेशान हो जाते हैं तो दैट तो इज इरीटेबिलिटी तो पहले तो हमें छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है उसकी वजह से हम चिड़चिड़ जाते हैं क्योंकि हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं तो उससे क्या होगा यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट आप कोई भी काम ध्यानपूर्वक नहीं कर पाएंगे इतना क्योंकि हर चीज के लिए हमें शांत मन चाहिए दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और हर चीज चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ पे वैसा ध्यान नहीं लगा पाते जैसा हम लगाना चाहते हैं इसकी वजह से देन वी विल फील फिटीक एंड टायर्ड फ़िटीक तो एंड तो टायर्ड मतलब बॉडी जो है हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगी एक तनाव सा रहेगा सर में दर्द पीठ में दर्द टांग में दर्द टेंशन पसीने घबराहट टांगों में कुछ अजीब सा महसूस करना पेट में कुछ अजीब सा महसूस करना इस तरह के लक्षण महसूस करते हैं उसके बाद ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ठीक से नींद भी नहीं आती है क्योंकि रात को जब वो लेटते हैं तब भी उनके मन में दिन भर बातें चलती रहती हैं कि उसने मुझे ये कह दिया मैंने उसे ये कह दिया उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसा कह देना चाहिए था एंड सो ऑन तो उसकी वजह से उनकी जो रातों की नींद है वो भी ठीक से नहीं आती है जो सिक्स क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं एजी फीलिंग या मतलब जैसे क्रिकेट मैच हम देखते हैं तो आखिरी ओवर में छः बॉलों में नौ रन चाहिए तो पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी तो वी कॉम ऑन द एज ऑफ द सीट हम एकदम सीट के एज पे आ जाते हैं सिमिलरली पहले की जो मूवीज़ होती थी, थी उनमें बड़ी डिशुम डिशुम और गोलियां चलती थी जो हम बचपन में देखा करते थे तो उसमें भी एक ऐजी फीलिंग आ जाती थी जैसे कुर्सी के एज पे आ गया तो जिंदगी एक शांत ना होकर हमेशा एक घबराहट सी कश्मकश सी बनी रहती है और अगर ऐसे लक्षण एक या दो दिन नहीं छः महीने या उससे ज़्यादा तो अक्सर जब भी पेशेंट दिखाने आते हैं तो एक दो साल या कई साल निकल जाते हैं तब जब वो महसूस करते हैं कि क्या है यार कि हर छोटी बात पे इतनी टेंशन हो जाती है और ये समझते हुए कि इसको ज़्यादा चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसका मतलब ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है अब सुनने में तो लगेगा कि ऐसा तो सभी को हो सकता है तो फिर डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है फिर हम सेम उसी प्रिंसिपल पर आएंगे साइकैट्री के क्योंकि साइकैट्री में कोई चोट तो लगती नहीं है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये बीमारी है या नहीं तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर किसी परेशानी की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है तो फिर हमें उसका इलाज करना चाहिए अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब नहीं हो रही और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं तो इट्स फाइन लेकिन अगर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते उन बातों पे अभी भी ध्यान दे रहे हैं जिन बातों को हमें पीछे ही छोड़ देना चाहिए था तो हम बोलेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो उसके अलावा जैसे एक फोबिया होता है फोबिया और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है मैं आपको समझा देता हूँ फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एन स्पेसिफिक थिंग मतलब इ रैशनल फीवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएशन और ए पर्सन मतलब कोई थोड़ी सी बड़ी चीज़ है और उसी को चीज़ को लेकर घबराहट होती है अदरवाइज़ कोई घबराहट नहीं होती जैसे सिंपल एग्जाम्पल है सोशल फोबिया या सिंपल हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं शर्माना कि अगर हम लोगों से बात करते हैं या लड़का एक लड़की से बात करता है या किसी को स्टेज पर जाके कोई परफॉर्मेंस देनी है या टीचर क्लास में कोई खड़ा कर देती है तभी घबराहट होती है अदरवाइज़ कोई घबराहट नहीं होती तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको लेके घबराहट होती है देन इट इज़ पार्ट ऑफ फोबिया अगर उस चीज़ को हम अवॉइड कर लेते हैं तो हमें घबराहट नहीं, नहीं होगी लेकिन जी में तो हर चीज़ को ही ले घबराहट हो रही है हर छोटी मोटी बड़ी, बड़ी चीज़ को लेके उसके बाद एक पैनिक डिसऑर्डर होता है पैनिक का मतलब होता है कि बिना बात के ही घबराहट हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं कि पैनिक हो गया ये कि अलार्म सिस्टम भी खराब हो गया कि कभी भी घबराहट हो जाती है तो जी जो है वो डायग्नोस्टिक थोड़ा ज़्यादा लंबा है परेशान करने वाला है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता है तो अगर रोज़मर्रा की चिंता की वजह से ठीक से नींद नहीं आती थकावट रहती है कंसंट्रेट नहीं कर पाते चिड़चिड़े रहते हैं और उन बातों को चाह कर भी अपने मन से नहीं निकाल सकते इसका मतलब हो सकता है आपको या आपके किसी जानने वाले को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो और ये काफ़ी कॉमन है ऐसा सौ में से एक दो लोगों को होता है और फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है